हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे और मैं शरण फिर से आज आपके लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो जी हाँ आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऑडियो तो सबसे पहले हम सुनते हैं इस ऑडियो को और उसके बाद फिर बात करते हैं इस ऑडियो के बारे में सर मैं यूट्यूब केयर से बात कर रहा हूँ संजय सिंह दिल्ली रोहिणी सेक्टर वन से सर आपके इस नंबर पे कंप्लेंट हुआ है आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में यूटूब पर एक न्यूड वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें सर आप किसी लड़की के साथ में वीडियो कॉल पर रोमांस कर रहे हैं तो सर आपको मालूम होना चाहिए यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भी कंटेंट अलाउ नहीं होता क्योंकि सर ऐसा करने से आपको दो साल की जेल एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है अगर सर आप अपनी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो सर आप मेरे से अभी कांटेक्ट कीजिए ओके सर थैंक यू तो जैसा कि आपने ये सुना ऑडियो और ऑडियो के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहां पर स्क्रीन पर अगर मैं किसी को यह बोलूं कि मैं YouTube से मैनेजर बोल रहा हूं केवल ऑडियो में आपको भेजूं और ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि एक फर्जी सा अपना आई कार्ड बनाऊं और वो आपको भेज दूं और मैं आपको बोलूं कि मैं यूट्यूबर का मैनेजर हूं <coughs> एक यूट्यूबर का मैनेजर होने के खाते मैं एक इंडिविजुअल आदमी को फोन कर रहा हूं <coughs> देखिए आप लोग सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि पहली बात तो इस तरीके की कोई भी जो कॉल आते हैं वो फर्जी होते हैं कि नहीं होते हैं सबसे पहले तो इस चीज के लिए माइंडसेट कीजिए दूसरी बात कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूं और मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूं क्योंकि आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है और हम आपको सावधान करने के लिए हमने आपको फोन किया है कि आप अभी से सावधान हो जाइए सो देट कि आपको इस वीडियो के वायरल होने से पूरा पूरा बचाव मिले तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो लोग मैं कहूंगा कि थोड़े से सीधे साधे लोग हैं वो क्या होता है कि जैसे ही ऐसा कोई बंदा उनको फोन करता है और ऑडियो भेजता है और साथ में कुछ फोटोज अपने आई कार्ड और ऐसा वैसा भेज के जैसे उनको कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो वो सीधे साधे जो लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर वो डर जाते हैं बेचारे और वो फटक से क्या करते हैं कि जैसा वो बंदा बोलता है कि आपको ये वीडियो जो आपका वायरल हो जाएगा तो अब आपको रोकने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा इतना ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो वो पूरा एकदम डरा के ऐसा भयभीत कर देता है कि भाई साहब मतलब सत्यानाश एकदम पूरे बैंक से पैसे निकलवा लेगा आपके इतनी स्ट्रेटजी से वो बात करता है लेकिन हमारा ये काम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो हमें डरना नहीं चाहिए हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या सही में इस तरह की कोई ऑडियोज हैं या इस तरीके कोई बंदा हमें फोन करके बोल रहा है कि मैं यूट्यूब का मैनेजर हूं तो क्या है? वो सही में यूट्यूब का मैनेजर है और क्या यूट्यूब का जो मैनेजर है वो क्या सही में उसका ये लेवल है कि वो इंडिविजुअल आदमी को फोन कर करके ये बोले कि भाई साहब आपका वीडियो अपलोड हो रहा है बेला बैठा है क्या वो यूट्यूब पर उसके पास और कोई काम नहीं है ये जो काम पकड़ा दिया गया उसको दो मिनट के लिए सोच के देखो यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी सोचने समझने की जो क्षमता हम पूरी लगा देना यूट्यूब पर तो भी हम नहीं सोच पाएंगे कि यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है इतने सारे कंटेंट्स इतने सारे लोग इतने सारे यूट्यूबर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उस पर इतने सारे आइडियाज आपको मिलते हैं इतने तरह तरह की वीडियोस आपको मिलते हैं कितने वर्ल्ड में लोग उसको देखते हैं वर्ल्ड में कितने लोग इसके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं कितने यूट्यूबर्स हैं इस यूट्यूब को चलाने के लिए कितने लोग आपको बैक टू बैक काम करते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहां पर अगर एक मैनेजर आपको फोन करने लगा ना ऐसे कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है तो हो लिया फिर फिर हो लिया यूट्यूब का पूरा काम माय डियर इस तरह का अगर कोई भी बंदा है और जो इस तरीके से अपना नाम बताता है और आपको डराता है धमकाता है कि ये यूट्यूब पर वायरल हो जाएगा तो उसको बोल दो कहना भाई साहब कर दो वायरल और जिस दिन वायरल हो गया उस दिन अपने हाथों से मिठाई खरीद के लाऊंगा और अपने मुंह से आप अपने हाथों से आपके मुंह में मिठाई खिलाऊंगा बोल दो एक बार डरते क्यों हो मेरे चैनल पे डरना मना है एक बार बोल दो उससे कहना लाले की जान जिस दिन वायरल कर दोगे ना उस दिन लड्डू खरीद के लाऊंगा मोती चूर के और अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है ऐसे जो लोग हैं वो केवल आपको गुमराह करते हैं आपसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं पैसा तो निकालो उनके लिए बिल्कुल निकालो बट मोती चूर के लड्डू खिलाओ उन्हें लेकिन तब जब वो वायरल कर दें मेरे कुछ वीडियो हैं जिनमें हमने लास्ट में मैंने डाला है कि आजकल वीडियो वायरल होने लगे हैं तो मैं मैंने उस वीडियो में यह भी बोला है कि 99 परसेंट आपका न्यूड स्कैम का जो वीडियो है जो व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आजकल चल रहे हैं कि एक लड़की आपको व्हाट्सअप का कॉल आता है फिर वो जब आप व्हाट्सएप का कॉल वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो वो वीडियो पर न्यूड होती है फिर वो कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों में भी न्यूड कर देती है फिर वो उस मोबाइल की इस की रिकॉर्डिंग करती है फिर वो आपको थोड़ी देर बाद भेजती है फिर आपको ब्लैकमेल करती है कि अब आपको इतना पैसा देना है और अदरवाइज अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये वीडियो आपका वायरल कर दिया जाएगा अरे जाने दो ऐसे लोगों को करने दो ऐसे लोगों को वीडियो वायरल देखते हैं दम कितना है उसमें वीडियो देखो दो, दो चीजें हैं मैं आपको समझाने की को कोशिश करता हूं वीडियो मैं अब यहां पर दो बुली वाली भाषा बोलने वाला हूं वीडियो वायरल होता भी है और वीडियो वायरल नहीं भी होता है बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं वो कहते हैं सर आप पहले तो बोलते हो कि पहले बोलते थे कि वीडियो वायरल नहीं होता है अब आप हो वीडियो वायरल होता है तो देखो वीडियो आप कौन से वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हो चाहे वो कैसे भी हो अच्छे हो खराब हो वॉट एवर जैसे भी हो चाहे वो किसी साइड के हो वीडियो आप वही देखना पसंद करते हो जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बिल्कुल सही बात सहमत हो तो कमेंट पर जरूर लिखना अब ऐसे ही बिल्कुल जो फ्रॉडी लोग हैं जो आप लोग को ब्लैकमेल करते हैं इस व्हाट्सएप के न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में वो बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि व्हाट्सएप के जो जनरली क्या होता है जिनके साथ ये वीडियो कॉल का स्कैम होता है वो जैसे उनके साथ मतलब इस तरह की पहले चैटिंग चल रही होती है लकी कहती है कि मैं आपको वीडियो कॉल करने वाली हूं और उससे दो तीन दिन पहले वो गिली गिली बातें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि बंदा सोचता है कि यार इस लड़की का जब कॉल आएगा ना तो अकेले में खोपचे में बैठ के कहीं बात करेंगे और ज्यादातर 99 परसेंट जो लोग होते हैं ना वो कहीं खोपचे में जाके बात करते हैं खोपचे का मतलब हो गया कहीं अंधेरे में जाके और तभी वीडियो कॉल आता है वीडियो कॉल जब आता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और अंधेरे में वहीं लगे रहते हैं तो जो वीडियो की टोटल क्वालिटी होती है वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड की होती है बिल्कुल सहमत बता दो एक बंदा भी बैठ के अपने खुले कमरे में एकदम मस्त सी एकदम लाइटिंग में बैठ के और तब वो अपनी वीडियो कॉल पे और ये सब काम करके वीडियो को उसका कॉल बना हो मतलब वीडियो बनाओ बता दो एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जितने होते हैं सब खोपचे में जाके इस तरह की कॉल करते हैं और खोपचे की जो वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आती है ना तो वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड की होती है और ऐसी थर्ड ग्रेड की जो वीडियो होती है ना विजुलाइज वो कोई भी जो स्कैमर्स ये होते हैं ये आपका कोई भी वायरल नहीं करते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उसके लिए मैंने एक परसेंट छोड़ा हुआ है इसीलिए मैं कहता हूं कि नाइनटी नाइन परसेंट आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती है हाँ अगर आप एकदम ट्यूबलाइट में बैठ के चमकदार बन के आप ऐसी वीडियो बनवाओ तो भाई साहब आपकी वीडियो जरूर वायरल हो जाएगी क्योंकि वीडियो तो वही वायरल होगी ना जिसको लोग देखेंगे एक ऐसी खोपची मधेरे में, में बैठ के वीडियो अगर बनेगी तो उसको कौन देखेगा कौन देखता है आप ही ऐसे कितनी वीडियो देखते हो बता दो जिसकी विजुलाइजेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता जिसमें लाइटिंग आपको प्रॉपर नहीं होती आदमी आपको सही से नहीं दिख रहा क्या बातचीत चल रही वो आपको सही से पता नहीं है क्या हो रहा है उस वीडियो में वो आपको पता नहीं है ऐसा वीडियो कभी आप देखते हो कभी नहीं देखते हो तो जब आप नहीं देखते हो तो आपका वीडियो कौन देखेगा इसलिए जितने भी ये जो इस तरह के जामताड़ा में बैठे हैं लोग जो वीडियो बनाते हैं आपका ये आपको केवल डराते हैं धमकाते हैं और जैसे ही आप बोलते हो कि भैया तू वीडियो वायरल कर दे अठन्नी तो नहीं दूंगा तो फिर ये क्या करते हैं अपने मोबाइल से वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 99 परसेंट जो है उस चीज का मैं दावा करता हूं कि आपका वीडियो जो है वो वायरल नहीं होगा अब बात आती है कि जिनके वीडियो वायरल होते हैं जिनके वीडियो वायरल होते हैं वो क्या होते हैं जैसे पर्सनल वीडियो हो गए किसी के कोई हनीमून मनाने गया होटल में रिकॉर्ड हो गया कोई अपने घर में कुछ ऐसा कर रहा है पता चला जी पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया पता चला कि जी अब गार्डन में कहीं खड़े हैं कुछ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो क्या है इन सब में क्या है कि भाई क्लैरिटी आ रही होगी क्लैरिटी क्लैरिटी आ रही होगी तो आपका वीडियो है कोई ना कोई जरूर देखेगा और कोई देखेगा तभी जो बंदा अपलोड करेगा तभी उसको कुछ बेनिफिट होगा ऐसा वो सोचता होगा तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसीलिए मैं दोगली बात करता हूं अब इस दोगली बात को यह महसूस ना कि मैं दोगला हूं दोगली बात का मतलब यह है कि वीडियो वायरल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं अब दोनों कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तो वीडियो वायरल हो जाएगी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो आपका वीडियो बनाएगा वो खुद ही डिलीट कर देगा तो इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात कुछ भी नहीं है अगर आपको इस तरीके से कोई भी स्कैमर है कोई ब्लैकमेलर है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है यूट्यूब का मंत्री बन के संतरी बन के पुलिस वाला बन के दरोगा बन के साइबर क्राइम का इंचार्ज बन के तो सब भूल जाओ और बस एक ही चीज याद रखो क्या शूट माय स्टाइल में शैलेंदर सर हैं उन्होंने कह दिया है कि डरना मना है बस इतना करना है आपको और कभी भी कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर लो लेकिन मुझसे बात करो तो कम से कम शब्दों में करो अपनी बात कम से कम से शब्दों में समझा दो मुझे और मेरे से कम से कम शब्दों में समझ लो और फोन काट दो बस ये नहीं कि लेके पंचायत बैठ गए एक क्वेश्चन का आंसर दिया फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन तीसरा, कोशन, तीसरा कोशन, और क्वेश्चन सब वो रिपीटेड तो सबसे पहले एकदम एग्जैक्टली exactly क्या क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल लो मुझे फोन करो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा और यूट्यूब पर भी आप कोशिश करो कि YouTube पर सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन करो क्योंकि मैं वहां पर सबसे जल्दी आंसर देता हूं क्योंकि मैं जब भी फ्री होता हूं पूरे दिन भर में तो मैं एक बार YouTube खोल के जरूर देखता हूं कि क्या क्वेश्चन आए उनके आंसर देखता हूंगा और इसलिए आप ये चीज मान के भी चलो कि हंड्रेड परसेंट लोगों को मैं आंसर देता हूं मेरा कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर ये, ये नहीं कह सकता कि मैं उसके क्वेश्चन को नहीं देखता हूं नजरअंदाज कर देता हूं आंसर नहीं देता हूं एटलीस्ट अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया मतलब क्वेश्चन तो छोड़िए क्वेश्चन का तो आंसर मैं देता ही हूं अगर उसके लिखे हुए वर्ड्स पर कोई क्वेश्चन नहीं है उसने एक जर्नलाइज वर्ड लिखा है तो एटलीस्ट मैं लाइक like जरूर करता हूं बट कोई भी अपने सब्सक्राइबर का कमेंट मैं खाली नहीं जाने देता तो वाइस बिंदास रहो मस्त रहो जो बंदा आपको क्या बोले कि वीडियो वायरल कर दूंगा उसको ले क्या करना है मोती चूर के लड्डू उसके मुंह में रखने है। और उसको बोलना है कि जा कर दे जाके और मेरे चैनल पर डरना मना है तो चलते हैं बस इसी के साथ मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में तब तक ले टाटा बाय बाय नमस्कार बिंदास रहिए